Uh, ये क्वेश्चन वापस ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे इसमें मतलब अब वो सोचते हैं कि पेरीमीटर का फॉर्मुला होता है सम ऑफ ऑल साइड तो अब ये साइड तो मुझे पता ही नहीं है ये तो हम निकाल ही नहीं सकते हमें एंगल पता ही नहीं है ठीक है एंगल पता किया जा सकता है कैसे देखते हैं ये साइड मुझे पता है 16 ये साइड आई नो 12 एंड दिस साइड आई आल्सो नो 8 ठीक है ये साइड पता है ये साइड पता है ये साइड पता है तो कोसाइन रूल नाम की एक चीज होती है कोसाइन रूल ठीक है कोसाइन रूल कोसाइन रूल का फॉर्मूला क्या होता है कोसाइन रूल होता क्या है कोई भी एंगल निकालना हो अगर तीनों साइड पता है तो कोसाइन रूल यूज करके हम आराम से एंगल निकाल सकते हैं कैसे कॉस ऑफ बी अब कॉस्ट ऑफ बी कितना होगा कॉस्ट ऑफ बी कितना होगा uh, इसका फॉर्मूला क्या होता है बी हमें ये निकालना है तो सपोज दिस इज बी दिस इज ए दिस इज सी तो ए स्क्वाइनस बी स्क्र अपॉन टू ए सी ठीक है जो यहाँ पे है उनका प्रोडक्ट यहाँ पे होता है जो एंगल है उसके ऑपोजिट वाला साइड इधर माइनस में होता है तो ये होता है कोसाइन रूल तो मैं इस फॉर्मुले में अगर वैल्यू डाल दूँ ए की वैल्यू एट डाल दूँ तो ए का एट का स्क्वायर 16 का स्क्वायर और ऑपोजिट साइड ट्वेल्व है तो ट्वेल्व का स्क्वायर अपॉन टू इंटू एट इंटू अगर करेंगे तो सिक्सटी सिक्स माइनस वन फोर्टी फोर ठीक है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वन सिक्स आ जाएगी तो वन सिक्स अपॉन सिक्सटीन इंटू सिक्स है ठीक है देखो सिक्सटीन का इलेवन टाइम्स है मतलब कॉस बी मतलब की वैल्यू आ गईन अपॉन सिक्सटीन मतलब ये जो कॉस है ना

अभी देखो यहाँ पे टू इंटू एट सिक्सटीन है तो ये कैंसिल हो जाएगा सेवन इंटू इलेवन सेवेंटी सेवन के बराबर होगा ये तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है, तो x आ जाएगा, 6. मतलब x 6 है अब हमारा पेरामीटर निकल जाएगा एट प्लस सेवन प्लस सिक्स इसका पंद्रह प्लस छह इक्कीस और इसका होगा बारह प्लस नौ प्लस ठीक है सत्ताईस तो इसको काट दोगे थ्री से तो थ्री सेवन जो थ्री नाइन जो सेवन इंस टू नाइन ये मैंने एक तरीके से सॉल्व कर दिया अब मैं ये एंगल लेके दिखाता हूँ इससे आंसर सेम आएगा ठीक है इस एंगल के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है ये कोई ट्रिक नहीं है कलर चेंज करना ऐसे कर रहा हूं। हूँ निकालते हैं चलो कॉस्टी की वैल्यू क्या हो गई दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर तो ट्वेल्व स्क्वायर प्लस सिक्सटीन स्क्वायर मतलब वन फोर्टी फोर प्लस टू फिफ्टी सिक्स माइनस ऑपोजिट साइड क्या है सी का एट तो एट का स्क्वायर अपॉन टू इंटू ट्वेल्व ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो 144 प्लस 256 माइनस 64 कितना आएगा ये इसको ऐड कर लो तो 200 300 हंड्रेड माइनस सिक्सटी फोर अपॉन दिस इज 24 फोर इंटू अब ये 16 से कट जाता है दिख रहा है साफ साफ 21 टाइम्स तो ये 7 अपॉन एट आ गया मतलब कॉस सी की वैल्यू 7 अपॉन एट आ गई अब मैं इस इस वाले में लगा लेता हूँ ठीक है कॉस सी इज इक्वल

25 ठीक है ना ये दोनों ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 12 9 और 15 ठीक है ना 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर करोगे तो 15 स्क्वायर आता है माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ से एक्स की वैल्यू वापस सिक्स आ जाएगी और हमारा फिर से आंसर सेम आ जाएगा तो दोनों भी ये एंगल यूज करो ये एंगल यूज करो हमारा आंसर सेम आएगा ठीक है समझ आ रहा है ओके okay, बाय